अगर आप भी इस ईद पर अपनी फैमिली के लिए कुछ नया डिफरेंट और झटपट बन जाने वाली गोश्त की कोई रेसिपी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई एम श्योर यू गोना लव टू ट्राई दिस वन ऑन दिस ईद। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑब्सेशन विद कुकिंग। उम्मीद है सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और सब ईद की तैयारियों में मसरूफ होंगे। और आज बकरा ईद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी अनारदाना कढ़ाई गोश्त की रेसिपी लेकर आपके लिए आई हूँ, जो कि बहुत झटपट बन जाती है और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार होती है। तो बस चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें यहाँ पर मैं 1 किलो के करीब मेरे पास गोश्त है, इसको हम ऐड कर लेंगे। मैं बिना हड्डी का गोश्त ले रही हूँ, आप चाहें तो जो है ना हड्डी के साथ भी गोश्त को ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें 1 बड़ा चम्मच के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने फ्रेश कूट कर डालना है। इसको ऐड करने के बाद यहाँ मेरे पास कुछ मसाले हैं, जिसमें ये 2 जो है दालचीनी के टुकड़े हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सूखा धनिया है और हल्दी है, नमक है और 2 से 3 लौंग और 2 से 3 काली मिर्चें हैं, ये सब इसमें जाएगा। इसको ऐड करने के साथ ही मेरे पास ये 3 कटे हुए टमाटर हैं। टमाटर आपने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं, उनका आपने छिलका नहीं उतारना और बड़े बड़े मोटे मोटे टुकड़ों में आपने काट के बस इसी तरीके से आपने इसमें ऐड कर देने हैं। और ये सब ऐड करने के साथ ही इसमें मैं तकरीबन 2 ग्लास के करीब जो है वो पानी ऐड कर दूंगी। ट्रस्ट मी, ये मटन कढ़ाई जो है अनारदाना मटन कढ़ाई बहुत ही आसान है और खाने में बेहद मज़े की है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पर। चलें जी, अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने करना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमने इसे ढक कर जो है हल्की आंच पर मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने अपने गोश्त को गलने के लिए रख देना है। जी अब यहाँ देखिए 20 से 25 मिनट जो है गुजर चुके हैं और जो है हमारा मटन जो है वो अच्छे से जो है वो टेंडर हो चुका है और ऑलमोस्ट पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज के ऊपर आपने क्या करना है, ये जो हमने टमाटर इसमें ऐड किया था आपने इसका छिलका इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ टोंग आपने रिमूव कर लेना है और ये बहुत आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये जब गलने के लिए हम लोगों ने रखा था तो ये उसी दौरान जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और बहुत आसानी के साथ ये जो है अलग हो जाता है। इस तरीके से आपने इन सब टमाटरों को पील ऑफ कर देना है। टमाटरों को पील ऑफ करने के बाद अब इस स्टेज के ऊपर जो है आपने हल्का सा चम्मच की हेल्प से जो है इन टमाटरों को जो है अच्छे से दबाना है, ताकि वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो भी अच्छे से जो है इसके अंदर एक ग्रेवी की सूरत में आ जाए। और बस स्टेज के ऊपर जो है आप 1 प्याली के करीब जो है 1 कप आप कह लें मैंने घी का इसमें ऐड कर दिया है। और अब हमने गोश्त को अच्छे से घी के साथ भूनना है। ट्रस्ट मी, ये इतनी क्विक और मज़ेदार सी रेसिपी है कि जो है आप इसे विद इन मिनट्स बना सकते हैं। मैंने तो ये जो है मटन कढ़ाई में जो है इसको मैंने गलाया है, अगर आप चाहें तो कुकर में इसे 10 मिनट के अंदर अंदर आपको मटन को गला लेना है और बाकी का प्रोसेस जो है वो बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। चलिए जी, अब इसे अच्छे से हमें 5 मिनट तक भूनना है मसालों के ऑयल के साथ। अब यहाँ पर 5 मिनट गुजर चुके हैं गोश्त को घी के साथ भूनते हुए और अब इस चीज़ के ऊपर मैं जो है अपने स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास 1 बड़ा चम्मच भर कर जो है मैंने अनारदाना का पाउडर लिया है, काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून और जो है 1/2 टीस्पून जो है मैंने वाइट जो है पेपर लिया है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर ना हो तो आप जो है इसकी जगह थोड़ी सी दड़ा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, तब भी इसका टेस्ट इतना ही अच्छा आएगा। और अगर आपके पास अनारदाना का पाउडर भी ना हो तो आप सिंपली थोड़ा सा अनारदाना लेकर उसे अच्छे से कूट कर उसका पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन मसालों के साथ हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है।
दो से तीन मिनट तक इसे मसालों के साथ भूनने के बाद अब स्टेज के ऊपर दो बड़े चम्मच भरकर मैं इसमें जो है दही के ऐड करूँगी। और दही को ऐड करते वक्त आप फ्लेम को बिल्कुल आहिस्ता कर दीजिए या बिल्कुल बंद कर दीजिए ताकि दही आपका जो है मसाले में जाकर फटे नहीं। और इस तरीके से अच्छे से दही के साथ आपने इसे मिक्स करना है। चलिए जी, अब आप फ्लेम को दोबारा से मीडियम कर लें और दही के साथ 5 मिनट तक इसे अच्छे से भूनिए ताकि दही का जितना वो पानी और मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए अच्छे से। जी अब यहाँ देखिए, दही के साथ 5 मिनट तक इसे भूनने के बाद मैंने इसे डिश आउट कर दिया और बारीक कटी हुई जो है हरी मिर्चें, धनिया और अदरक के साथ जो है मैंने इसे सर्व कर दिया। बस ये थी आज की रेसिपी, आई होप आपको पसंद आई होगी। इस ईद पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि हाउ इट टर्न्स आउट फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।